शाकाहारी बनिए, ईमानदारी की कमाई से घर में अनाज लेकर के आइए। आप चाहे जैसे कमाते हो मुझे नहीं पता, मुझे जानना नहीं है। भगवान की पूजा में, भोजन में और बच्चों की पढ़ाई में ईमानदारी का, मेहनत की कमाई लगाओ। बेईमानी की कमाई लगाओगे पूरी गृहस्थी ले डूबोगे। और ऐसा ही होता है जब रजोगुण से युक्त व्यक्ति होता है ना। सत्वगुण से युक्त थी सीता जी, रावण जैसे पाखंडी को भी महात्मा समझ करके भिक्षा देने के लिए बाहर चली आई, जबकि रावण पाखंडी है। लेकिन सत्वगुण से युक्त थी सीता जी तो पाखंडी को भी धर्मात्मा समझ करके चली आई बाहर। और रजोगुण से युक्त है परीक्षित तो सच्चे महात्मा को भी ढोंगी समझ रहे हैं। श्रमिक तपस्या में रत थे, साधना कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, इनको प्यास लगी, पुकारा, इनको लगा कि कोई ढोंगी है, देखो मेरी बात नहीं सुनता। इन्होंने सर्प उठा करके, मरा हुआ सर्प डाल दिया श्रमिक के गले में, चले आए। श्रमिक का एक पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी को कुछ बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता का ऐसे ऐसे अपमान हो गया। उसी समय श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। श्रृंगी ने जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दंशति अस्म कुलांगारम उदितो मे ततद्रुहम। जिस कुलांगार राजा ने ये जघन्य अपराध किया है, सातवें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्रमिक को जब पता चला कि मेरे अबोध पुत्र ने तपस्या को ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, बिना तपस्या के फल के आप किसी को वरदान नहीं दे सकते, श्राप नहीं दे सकते, गविजात नाम के एक शिष्य को बुलाया और कहा कि राजा को सूचना दे दो। राजा को सूचना मिली। राजा ने तत्काल अपनी एक सभा बुलाई और सभासदों से कहा कि मेरे जीवन का अभी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा अनेकों बार सुनी है माताओं सज्जनों। श्रीमद् भागवत में कथा में आता है वर्णन कि परीक्षित गंगा तट पर जाकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए और सुखदेव जी ने आकर के उनको 7 दिन भागवत सुनाई और राजा की मुक्ति हो गई। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।